हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ नान खटाई की। इसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है शुगर पाउडर। एक कप शुगर पाउडर चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी जो चीनी है वो पिसी हुई होनी चाहिए, उसमें दाने नहीं। और फिर एक कप चाहिए घी मेल्ट हुआ हुआ। आप बटर भी डाल सकते हैं इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे हैं या फिर घी या किसी चीनी के कोई पार्टिकल्स भी ना रहे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे अच्छी तरीके से उसको पीस कर। अब इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा मैंने 1.5 कप लिया है और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। पहले 1 कप मैंने पूरा मैदा इसमें डाल दिया है, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हमें और ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो गया मैदा। अब इसके अंदर 1 कप बेसन लिया है, बेसन 1 कप डालेंगे। इसका भी प्रोसेस वैसे ही रखना है, थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है। मैदा डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसमें मैदा ऐड करेंगे जो हमने बैकअप पे रख दिया था अपना। और मैदा ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरीके से हमारा घून चुका है। और इसको बिल्कुल सॉफ्ट घूनना है, ज़्यादा नहीं घूंदना। और इसके ऊपर हम कोई भी घी या फिर बटर की कोटिंग नहीं करेंगे। घूनने के बाद इसको थोड़ी सी देर 10 से 15 मिनट रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए। अब हम अपने बिस्किट्स तैयार करेंगे। छोटे छोटे बिस्किट का साइज़ मैंने स्मॉल ही रखा था क्योंकि बेक होने के बाद ये बिस्किट थोड़े बड़े हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटा या बड़ा साइज़ रख सकते हैं। सब बिस्किट्स मैंने बना लिए हैं। मैं इस पर थोड़ा सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इनको सिंपल रख सकते हैं, सादा गोल। और अगर चाहें तो इस तरीके से इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं। और इतना मैंने उंगली से थोड़ा सा इसको प्रेस करा है बीच में, तो वो एक तरीके से गोल सा हो गया है। उधर मैंने कुछ बिस्किट्स पे बादाम भी लगा दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर कुछ भी करना चाहें। कोई भी चिप चोको चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। येलो येलो जो है ये एग योग है। इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट कर उसके नान खटाई के ऊपर लगा दिया था क्योंकि नान खटाई के ऊपर जो येलो येलो सा कलर आ रहा होता है वो एग योग होता है। अब बिल्कुल फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं हमारे बिस्किट्स। इसको 5 से 10 मिनट हम बेक करने के बाद बाहर रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए और फिर इसको निकालेंगे। अगर हमने डायरेक्ट निकाल लिया तो ये टूट भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत खस्ता होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।